माता पिता का अरमान होता है कि जब बेटा बड़ा होगा तो बुढ़ापे में सारा बन गया, लेकिन वो सच्ची ही लग गया। अरे पनिया कर जाती चोरी और कुछ नहीं है माँ के पास, आधी सारी घर के अपने नाना को कफन उड़ा लेती है और मुंह पे वो धर के बोली, बेटा एक बार बोल सुना तो मेरे को। तो बाप का माली आ गया, बोला बहन इस बच्चे की लाश फट जाएगी, तुम इस बेटा की लाश को लेकर के मर्ग में चली जाओ। आज बेटा की लाश को लेकर के तारा मर्ग में पहुंची और उसी मर्ग में हरिश्चंद्र का पैदा था, तो लाश को रख दिया और लकड़ी निकाल निकाल के अपने बेटा की चिता बनाती है, तो आपका भाव का छूट जाता है। हरिश्चंद्र ने देखा कौन है भाई, इस मरघट का नियम नहीं जानता, हम बिना करके टका के लाश को नहीं जलाने देते। लाठी लेकर के पास में आ गए और एक औरत को देखा, आप कौन हो, अकेली आई हो मरघट में, क्यों आई हो, आती तो परिवार को साथ लेके आती, अकेली क्यों आई। सितारा ने एकदम कहा कि ना, मैं और कोई नहीं हूं, आपकी पत्नी हूं। हरीश बोले, तारा तुम मेरी पत्नी,